हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो महिलाओं में इररेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, जो उनके पीरियड्स होते हैं, मेंसेस होते हैं महिलाओं में, जो कि इररेगुलर हो जाते हैं, किसी के बहुत ही देर से आते हैं और किसी के बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। तो दोस्तों आज हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में बात करेंगे जो कि इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन के लिए, इररेगुलर पीरियड्स के लिए है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि पीरियड्स क्या होता है, कितने दिनों का होता है, और अगर इरेगुलर हो जाता है तो क्या दवाइयाँ लेना चाहिए। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीरियड्स क्या होता है। तो दोस्तों जो मेंसेस होते हैं वह महिलाओं में एक पीरियोडिक डिस्चार्ज होता है, पर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो कि एक पीरियड के दौरान होता है। मतलब कि एक महीने का पीरियड रहता है, 28 डेज़ का पीरियड रहता है। नॉर्मली जो रहता है 28 डेज़ का पीरियड होता है कि जैसे आज हो गई है 9 तारीख हो गई है, और 9 तारीख से 28 डेज़ के अंदर 28 डेज़ में पीरियड्स आ जाता है। तो पीरियड्स क्या होता है, जो एक जो बच्चेदानी होती है महिलाओं का, जो यूट्रस होता है, उसके अंदर ब्लड और म्यूकस जमा हो जाता है। अंदर की जो दीवारें होती है यूट्रस की, वहाँ पर ब्लड और म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, और एक पीरियड आता है, एक टाइम पीरियड होता है, जब वह ब्लड और म्यूकस वहाँ से शेड आउट होके वेजाइना के थ्रू बाहर हो जाता है। तो यह एक नॉर्मल डिस्चार्ज है वेजाइना के थ्रू, जो कि महिलाओं में होता है, और यह जो डिस्चार्ज है, यह जो ब्लीडिंग है, यह मेंसेस है, यह भी महिलाओं में होना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस और हार्मोनल जो बैलेंस है वह इसके द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो दोस्तों यह हो गया है पीरियड्स के बारे में। साथ ही साथ जो पीरियड्स की जो साइकिल रहती है वह 28 डेज़ की रहती है, 28 डेज़ की रहती है नॉर्मली, और किसी किसी में 30 डेज़ की भी हो जाती है। तो दोस्तों पीरियड्स के बारे में मैंने एक छोटे से तौर पर आपको बता दिया है कि पीरियड्स क्या होता है, कितने दिन का होता है। दोस्तों पीरियड्स अगर किसी महिला में लेट आते हैं या फिर इररेगुलर रहते हैं, लेट आना मतलब कि अगर 31 या 32 डेज़ के बाद में किसी महिला में पीरियड्स आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे मतलब डिलेड मेंसेस बोलेंगे इस कंडीशन को। और अगर 21 डेज़ के पहले ही हो जाता है, मतलब कि 18 डेज़ में, मतलब किसी को 15 दिन में ब्लीडिंग होने लग जाती, किसी को 18 दिन में ही होने लग जाती, तो इसको बोल देते हैं अर्ली मेंसेस, अर्ली मेंस्ट्रुएशन बोल देते हैं। तो दोस्तों अगर किसी महिला में बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है, या फिर बहुत ही जल्दी मेंसेस आने लगते हैं, या फिर किसी महिला में बहुत लेट मेंसेस आने लगते हैं, तो इस कंडीशन को इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी फीमेल में इररेगुलर पीरियड्स की, इररेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम रहती है। सबसे पहली दवा आती है दोस्तों सीपिया। सीपिया मेडिसिन इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है, और ऐसी महिलाएँ जिनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, जिनको ठंडी सी बहुत ज़्यादा लगती है, उनमें यह दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। दुबली पतली महिलाओं में बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर दुबली पतली महिलाएं में अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम रहती है, तो सीपिया मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। किस डोज में लेना चाहिए, सीपिया मेडिसिन को 200 पोटेंसी में रोज़ाना शाम को आपको लेना है। सिंगल डोज 2 बूंद डायरेक्टली टंग पर आप ले लीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेंसेस इरेगुलर है तो रेगुलेट होने लगते हैं। दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों पल्सेटिला। अब पल्सेटिला ऐसी महिलाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहती हैं, बहुत थोड़ा सा वेट उनका बढ़ा हुआ रहता है, थोड़ी सी मोटी रहती है, गोरी महिलाएं रहती है, और साथ ही साथ अगर उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ऐसी महिलाओं में पल्सेटिला नाम की मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। 200 पोटेंसी में रोज़ाना सुबह ले लेना है डायरेक्टली टंग पर। अगर इररेगुलर मेंसेस है, जो मोटी महिलाएं होती है, कलर उनका फेयर रहता है, और थोड़ा सा सुंदर सी महिलाएं रहती है, उनमें अगर पीरियड्स रुक जाते हैं या फिर डिलेड रहते हैं या इररेगुलर रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा काम करती है पल्सेटिला 200। ऐसी महिलाएं जिनके पीरियड्स 2 महीने 3 महीने से नहीं आ रहे हैं, या फिर 2-2 3-3 महीने में आते हैं, उनमें भी अगर पल्सेटिला अगर वो लेते हैं 2 बूंद सुबह 2 बूंद डायरेक्टली टंग पर, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तीसरी मेडिसिन आती है दोस्तों एब्रोमा रेडिक्स, मदर टिंचर फॉर्म में।
इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के लिए, जैसे कि कभी जल्दी आ जाता है किसी का पीरियड्स या किसी का बहुत ज़्यादा लेट होता है, तो इसके मदर टिंचर को, एब्रोमा रेडिक्स के मदर टिंचर को 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पीना है। लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना है, 6 महीने 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पीरियड जो है रेगुलेट होने लग जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है और आखिरी मेडिसिन है दोस्तों, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 15, BC नंबर 15 के नाम से आती है। यह कोई भी ले सकता है, मतलब कि जो छोटी एज से लेके बड़ी एज तक की जो फीमेल्स है वह ले सकती हैं। 4 से 6 गोलियां दिन में 3 बार चूसना है। जो बायो कॉम्बिनेशन 15 मेडिसिन है, नॉर्मली जो लिटिल गर्ल्स लेती है, जो 13 साल से लेके 19 साल तक की जो गर्ल्स रहती है, उनमें अगर इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है तो इस दवा का इस्तेमाल उनको ज़रूर करना चाहिए। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 15, इसका इस्तेमाल आपको 4 से 6 गोलियां दिन में 3 बार चूसना है, टेबलेट फॉर्म में आता है। साथ ही साथ अगर कोई जो छोटी बच्चियाँ रहती है 13 साल से लेके 19 साल तक की, अगर थोड़ी सी मोटी है, उनका वेट ज़्यादा है, सुंदर सी दिखती है, कलर उनका फेयर है, तो पल्सेटिला उनको देना चाहिए। पल्सेटिला उनको 200 पोटेंसी में 1 बूंद रोजाना सुबह उनको लेना चाहिए। और ऐसी गर्ल्स जो कि बहुत ज़्यादा दुबली पतली है, कलर उसका थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, कलर फेयर नहीं है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, दुबली पतली है, तो ऐसी फीमेल्स को सीपिया मेडिसिन बहुत ही अच्छा सूट करती है। 2 बूंद रोजाना शाम को लेना चाहिए। साथ ही साथ इनको एब्रोमा रेडिक्स का मदर टिंचर जरूर लेना चाहिए। 20 जो लिटिल गर्ल्स हैं उनमें 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डाल के ले लेना है, और जो बड़ी महिलाएं हैं उनको 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पीना है। नॉर्मली जो पीरियड्स है वह मीनोपोज के दौरान भी इरेगुलर हो जाते हैं, जैसे कि 45 के बाद में 50 के करीबन जो एज होती है, वहाँ पर महिलाओं के जो हार्मोनल बदलाव के कारण इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।